कल का दिन मालेगांव के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल के साथ था। देवी के रथ कहो या गढ़ की यात्रा में जो यात्री लोग जाते हैं, ये मालेगांव से गुजरना उनका पहली मर्तबा नहीं, हर साल उनका गुजरना होता है। लेकिन अभी 2-3 साल से जो सूरत हाल बदली है वो कुछ इस तरह की है कि 4-5 दिन पहले से देवी के इस्तकबाल के लिए लोगों को आह्वान किया जाता है और सबको जो है इस्तकबाल के लिए दरे गांव नाका या 40 गांव फाटे तक आने की दावत दी जाती है। माजी में ऐसा होता रहा है कि देवी करात आया, लोगों ने आने वाले यात्रियों की सेवा की, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने फूल पेश किया और किसी ने उनको फ्रूट से जो है उनकी ज़ियाफ़त की। वो लोग आते रहे निकलते रहे, लेकिन जो सूरत हाल 2-3 साल से बन रही है वो इस तरह की है कि जैसे कुछ शरपसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि मालेगांव में दंगा हो और मालेगांव में हिंदू मुस्लिम फसाद हो, इस बात के लिए कोशिश की जा रही है। कल का जो दिन था, पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह नियोजन किया था और जिस तरह उन्होंने जो है बंदोबस्त रखा था, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उनको भी जो है धक्का बुक्की की गई है, लेकिन उन लोगों ने संयम और बर्दाश्त से काम लिया और ये मुसीबत ना बढ़े और शहर में आग ना लगे और दंगा फसाद ना हो, इसकी कोशिश की। हमारी ये डिमांड है कि जिस तरह ये कोई पहली मर्तबा देवी का रथ नहीं गुजरा है, लगता ये है कि कुछ शरपसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि मालेगांव के अमन अमान को ख़राब किया जाए और इसके लिए वो लोग कोशिश भी करते हैं। डिपार्टमेंट उनके ऊपर पूरी नज़र रखे और कल जो है SS मोबाइल कहो या बर्फी की गाड़ी कहो या और इस तरह कुछ लोगों ने पथराव किया, तोड़ फोड़ की, उसमें लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी धक्का बुक्की हुई है। तो हमारी ये डिमांड है कि उनके ऊपर जो है 12 नवंबर की तरह कार्रवाई की जानी चाहिए। 12 नवंबर के लोग तो बेकसूर थे, लेकिन इसमें तो जानबूझ करके लोगों ने जो है दंगा और फसाद भड़काने की कोशिश की है। इसलिए हमारी ये डिमांड है डिपार्टमेंट से और हमने ये बात रखी है। आज इस मौके पर मैं मालेगांव वालों की तरफ से, हमारे सीनियर SP शाहजी ओमक साहब हैं, एडिशनल SP भारती साहब हैं और इसी तरह DYSP तिग्गीर सिंह संधू हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो है बहुत मेहनत की। 10 दिन से मुसलसल वो इस सिलसिले में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, हम लोग भी उनके रास्ते में थे और जो नियोजन उन्होंने किया था उस नियोजन की वजह से मालेगांव के अंदर फसाद जैसी सूरत हाल नहीं बन सकी। उसी के साथ साथ मैं अपने मुस्लिम नौजवानों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह के मौके पर वो लोग भी जो है इमोशनल हो जाते हैं, जज्बात में आकर बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने की पासदारी करते हुए और अपने शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए उन लोगों ने जिस तरह संयम और बर्दाश्त से काम लिया, उसकी वजह से बहुत बड़ी घटना टल गई। उसी के साथ जो है मैं तमाम उन तंजीमों के लोग, जिन लोगों ने मौके वारदात पर रह करके और मौसम पुल से ले करके दरे गांव तक मुख्तलिफ मकामात पर खड़े होकर के हालात को बनाए रखने में, काबू में रखने में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अहलियान शहर की तरफ से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का ये बोलना है कि हमने इस सिलसिले में पूरे इंतजाम किए थे और उन इंतजाम के पेश नज़र हमारे पास वो सब कुछ रिकॉर्ड है। हम उस पूरे रिकॉर्ड को देख करके जो लोग शरपसंदी कर रहे थे, ऐसे लोगों की शनाख्त और पहचान करेंगे और उसी के साथ इस पूरी घटना के ऊपर क्या हुआ है और क्या करना चाहिए ऊपर भी उनकी बातचीत चल रही है। जो लोग शामिल थे उन्होंने पथराव किया, ये तो डिपार्टमेंट बताएगा कि उनके पास उनके रिकॉर्ड में कौन लोग हैं। दोनों तरह की बात है कि जो लोग यात्रा में आए थे और देवी के रथ के साथ थे, उनकी तरफ से शरपसंदी दिखाई नहीं दी। देखा ये गया कि हमारे ही शहर के नदी के उस पार के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इस तरफ आ करके कुछ इस तरह की हरकत कर रही थी, जिसकी वजह से नफ्ज़ अमन का और लाइन अडर के बिगड़ने का अंदेशा दर्ज नहीं हुई है, ऐसा उन्होंने बताया।
अभी पूरी स्टडी कर रहे हैं, जितनी वीडियो क्लिप इनके पास है उस पूरी वीडियो क्लिप को देख करके लोगों को पहचानना और क्या हुआ है उसका निचोड़ ले करके कौन सा कलम कैसे लगेगा उस सिलसिले में उनकी तैयारी चल